इस लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। रेडिकल इक्वेशंस को स्टडी करने से पहले हमें रेडिकल एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए। सो सबसे पहले रेडिकल एक्सप्रेशंस। रेडिकल एक्सप्रेशंस हमारे पास वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिन पे रेडिकल साइन होता है। एक्सप्रेशंस दैट कॉन्टेन अ रेडिकल साइन, ये वाला साइन, रेडिकल साइन, उनको हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशंस। मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर रूट, दिस इज अ रेडिकल एक्सप्रेशन। एल स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, दिस इज अ रेडिकल एक्सप्रेशन। एंड 18 स्क्वेयर रूट, दिस इज आल्सो अ रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंडर होता है उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। द एक्सप्रेशन अंडर अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। इन एग्जाम्पल्स में हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव, एल स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर एंड 18 जो हैं ये हमारे पास रेडिकेंड हैं। उसके बाद है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस हमारे पास वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। सो द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। मिसाल के तौर पे एक्स प्लस ए स्क्वेयर रूट प्लस एक्स प्लस बी स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस सी स्क्वेयर रूट, ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। रेडिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाते हैं। रेडिकल फ्री इक्वेशन, रेडिकल फ्री इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास रेडिकल साइन नहीं होता। रेडिकल इक्वेशन को रेडिकल फ्री इक्वेशन बनाने के लिए काफी सारी टेक्निक्स हैं। सिंपल इज कि हम दोनों साइड्स पे स्क्वेयर ले लेते हैं जिससे हमारे पास जो है वो रेडिकल साइन खत्म हो जाता है। जब एक रेडिकल फ्री इक्वेशन बन जाती है तो फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। एवरी सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ द रेडिकल फ्री इक्वेशन। एवरी सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन। लेकिन ये जो हमारे पास नई रेडिकल फ्री इक्वेशन बनती है उसके कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। सो उन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रेनियस रूट्स वो रूट्स होते हैं रेडिकल फ्री इक्वेशन के जो उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करते हैं लेकिन हमारी ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अब ये एक रेडिकल इक्वेशंस जो हैं, रेडिकल एक्सप्रेशंस जो हैं, उनकी हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले ये जो फार्मूला है एस इज इक्वल टू 2π L/32, ये फार्मूला रिप्रेजेंट्स द स्विंग ऑफ पेंडुलम।
s is the time in seconds to swing back and forth and l is the length of the pendulum in feet. ये formula जो है ये एक pendulum की swing को represent करता है. s जो है वो time है seconds में कि कितने second लगते हैं इसको back और forth आने में, यानी कि यहाँ से यहाँ पे जाएगा और फिर वापस आएगा उसको कितना time लगता है. और l जो है ये length है इस pendulum की in feet. अब question हमारे पास ये है, how long does it take for a 3-foot pendulum to swing back and forth? कि अगर हमारे पास ये जो pendulum है इसकी length 3 feet हो तो कितना time लगेगा इसको अपनी एक swing complete करने के लिए. अब हम इसको solve करते हैं. Formula हमारे पास दिया गया है, s is equal to 2 pi l over 32 square root. लेंथ उसने हमें बता दी है कि 3 feet है. सिंपली हम l की जगह पे 3 put कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे. s is equal to 2 into 3.14 3 over 32 square root. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.924. सिंपली एक रेडिकल एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम बता सकते हैं कि पेंडुलम की चाहे जितनी भी लेंथ हो वो कितने टाइम में अपनी एक स्विंग को कंप्लीट करेगा. इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है सॉल्व द फॉर्मूला फॉर एल. इसको हमने लेंथ के लिए सॉल्व करना है. सो अभी हम इसको लेंथ के लिए सॉल्व करते हैं. फॉर्मूला हमारे पास है एस इज इक्वल टू 2 पाई l over 32 square root. हमने इसको solve करना है l के लिए. So इसको solve करने के लिए पहले मैं इसको 2 pi को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ. s over 2 pi is equal to l over 32 square root. उसके बाद दोनों साइड्स पे square ले लेता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा s square over 4 pi square is equal to l over 32. अब हमने l की वैल्यू फाइंड करनी है, so l will become 32 s square over 4 pi square. और ये कैंसिल हो जाएगा तो l will become 8 s square over pi square. अब ये जो फॉर्मूला है ये हमने लेंथ के लिए बना लिया. एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं. आइज़क न्यूटन एस्टेब्लिश्ड द फॉर्मूला वी एस्केप इज इक्वल टू 2 जी एम ओवर आर होल स्क्वायर रूट टू कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ए प्लैनेट और स्टार. वी एस इज द एस्केप वेलोसिटी, जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट and r is the radius of the planet. ये जो formula है ये हमारे पास planet की escape velocity के लिए है कि किस velocity से वो escape करता है. इस equation को हमने solve करना है for the radius of the planet. So हम इसको solve करते हैं. हमारे पास formula दिया है v escape is equal to 2 gm over r square root. हमने इसको r के लिए find करना है. दोनों sides पे हम square ले लेंगे. v escape square is equal to 2 gm over r and r will become r is equal to 2 gm over v escape square. एक radical expression को solve करते हुए हमने उससे radius के लिए radius की value जो है वो find कर ली. इसी तरह जब हम radical equations को solve करते हैं तो पहले हम radical free equation बनाते हैं कि जिस equation में हमारे पास radical sign ना हो और उसके बाद फिर हम उसको further solve करते हैं. लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशंस की टाइप्स को स्टडी करेंगे.
रेडिकल इक्वेशंस हमारे पास चार टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले टाइप नंबर वन। टाइप वन की हमारे पास जो जनरल फॉर्म है वो है एल इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस एम इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास जो टाइप वन है इसमें हमारे पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनमें एक पे स्क्वेयर रूट होता है और दूसरे पे स्क्वेयर रूट नहीं होता। दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में जो एक्स स्क्वेयर और एक्स के कोफिशेंट्स हैं वो या तो सेम होते हैं या एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल होते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल से हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। सिंपल एक एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब इसमें दो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर और एक ये क्वाड्रेटिक फैक्टर। एक पे स्क्वायर रूट है और दूसरे पे नहीं है। दोनों में एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशिएंट हैं वो उनमें कोई ना कोई एक रिलेशन है, एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल है। सो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि वो वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर जिस पे स्क्वायर रूट है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। वो वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर जिस पे स्क्वायर रूट है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट को मैं y के इक्वल पुट कर देता हूं। जब आप इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करोगे तो देन आप वैल्यू फाइंड करोगे उसमें से दूसरे क्वाड्रेटिक फैक्टर की। अब आप इसका स्क्वायर लें, दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए इस 3x स्क्वायर प्लस 15x की। सो इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x विल बिकम y स्क्वायर माइनस 1। अगर मैंने वैल्यू फाइंड करनी है 3x स्क्वायर प्लस 15x की, दोनों साइड से पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3। अब हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप ये किया कि वो वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर जिस पे स्क्वायर रूट था उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया। बाद में दूसरा जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है जो स्क्वायर रूट के बगैर है उसकी हमने वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से। बाय फैक्टराइजेशन अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 3y माइनस 5 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल टू 5 बाय 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये जो y की वैल्यू है ये एक्चुअली किसकी वैल्यू है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट की, क्योंकि हमने इसको y के इक्वल पुट किया था। सो एक्चुअली
x square plus 5x plus 1 square root is equal to 5 by 3 and x square plus 5x plus 1 square root is equal to minus 1. पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. x square plus 5x plus 1 is square root is equal to 5 by 3. दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x square plus 5x plus 1 is equal to 25 over 9. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 9x square plus 45x minus 16 is equal to 0. जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी x is equal to 1 by 3 and x is equal to minus 16 by 3. आप खुद इनको सॉल्व करेंगे. सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो x की हमारे पास वैल्यूज आ गई. बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी जो इक्वेशन बनी है उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास थी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 1. वही करेंगे, पहले स्क्वायर लेंगे तो ये हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, या 1 1 से कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0. यहां से x कॉमन आ गया, x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 5. अब x की हमारे पास चार वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5 और पिछली इक्वेशन से x इज इक्वल टू 1 बाय 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 16 बाय 3. अब जब हम इन चारों वैल्यूज को अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 0 और माइनस 5 है ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, और 1 बाय 3 और जो माइनस 16 बाय 3 हैं ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास वही होगा जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो सॉल्यूशन सेट इज 1 बाय 3 एंड माइनस 16 बाय 3. इस लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 1 को सॉल्व करना सीखा. टाइप 1 में हमारे पास दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनमें एक पे स्क्वायर रूट होता है और दूसरे पे स्क्वायर रूट नहीं होता. ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वो वाला एक्सप्रेशन जिस पे स्क्वायर रूट होता है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं, और उस वेरिएबल की टर्म्स में दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर जिस पे हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं होता उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ये जो नई वैल्यूज आती हैं इनको ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास नए वेरिएबल की वैल्यूज आ जाती हैं. ये वैल्यूज एक्चुअली उस हमारे पास एक्सप्रेशन या फैक्टर की होती हैं जिसको हमने न्यू वेरिएबल के इक्वल पुट किया होता है. सो उसको दोबारा हम उसके इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, और ये जो नई वैल्यूज हमारे पास आती हैं इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं और कुछ जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं करती. जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी वो हमारी सॉल्यूशन सेट नहीं होंगे, और जो सेटिस्फाई करेंगी वो हमारे सॉल्यूशन सेट होंगे.